कई भक्तों को श्री तुलसी महारानी के विषय में प्रश्न होता है कि तुलसी महारानी की सेवा कैसे करनी है क्या नहीं है टोटल, तो उसके विषय में मैं 5-10 मिनट में थोड़ी सी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ तुलसी महारानी की सेवा के लिए। कि तुलसी महारानी की सेवा में देखो पहले तो शुद्धता बरतो, है ना, पहले बिना नहाए धोए ऐसी तुलसी महारानी को ऐसे नहीं। तुलसी महारानी कोई साधारण नहीं है, वृक्ष वृक्षोशव अमृत जन्मासी, तो वो तो अमृत जन्मा है और वृक्ष रूपासी वृक्ष के रूप में है। तो तुलसी देवी के प्रति हमें पूरा सम्मानजनक जैसे माता के जैसा व्यवहार हमें करना, उन्हें देख करके प्रणाम करना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी दल, तो तुलसी उपनिषद में आया द्वादश्याम न स्पर्शयेत, द्वादशी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक अन्य स्थान में आता है कि रात्र्याम न स्पर्शयेत, कि रात्रि में स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो हमें दोनों ही वाक्यों को मानना चाहिए कि तुलसी महारानी का स्पर्श एक तो द्वादशी को ना करें और दूसरा रात्रि में ना करें। रात्र्याम न स्पर्शयेत, द्वादश्याम न स्पर्शयेत, तुलसी उपनिषद से है ये वाक्य। तुलसी महारानी की जो सेवा है, तो यहाँ मैं पूजा की बात नहीं कर रहा, पूजा तो सब करना जानते हैं, पर केयर करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है, वो सेवा, उसे सेवा कहा गया। पूजा तो कोई भी कर देगा ना, दीपक जला देगा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, परंतु यहाँ मैं सेवा की बात करने जा रहा हूँ। तो तुलसी महारानी जो देख रहे हो, तो तुलसी महारानी की सेवा के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए कि उनके पानी का हमें ख्याल रखें। गर्मियों में तो खूब पानी दो, खूब का मतलब इतना भी ज़्यादा भी नहीं, पर हाँ सूखना नहीं चाहिए उनका जो सतह है ना, वो तुलसी महारानी का सूखना नहीं चाहिए, सतह जो नीचे की। और तुलसी देवी के पत्तों में हमें नीचे ऊपर दाएं बाएं चारों तरफ ये जो एक कीड़े आते हैं ऐसे, जो तुलसी महारानी की जब मंजरी जब सूख जाती है ना, तो सूखने के बाद जैसी रह जाती है तो उसका जो दाना होता है उस दाने के अंदर बैठते हैं वो कीड़े, उड़ने वाले होते हैं, वो उड़ जाते हैं, जैसे उन्हें छूओगे ना थोड़ा सा ऐसे करोगे तो उड़ जाएंगे। तो वो कीड़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, वैसे कीड़े ना बैठे, पर उस वो तो खैर कम खतरनाक कीड़े हैं, पर कई प्रकार के कीड़े होते हैं तुलसी महारानी में, काले काले जाकर के बैठ जाते हैं, काले काले, उनको ऐसे हटाओगे तो हटेंगे नहीं, बहुत जिद्दी एकदम पकड़ के बैठ जाते हैं, वैसे कीड़ों से बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमें ये भी देखते रहना चाहिए समय समय पर, यदि किसी स्थान से आपकी तुलसी महारानी ऐसा लग रहा है कि इस स्थान से शायद कम हो गई, होता है ना कभी, जैसे ये तुलसी महारानी इतनी थी यहाँ से, अब आपने देखा कि ये स्थान में खाली कैसे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई पत्ता आपको ऐसा कटा हुआ ऐसे गोल गोल दिखाई दे रहा है, तो समझ लो आपके उसमें वो जो टिड्डा आता है ना, टिड्डा, एक टिड्डा आता है और एक और कीड़ा आता है जो बड़ी तेज़ी से तुलसी महारानी के पत्तों को खाता है। मैंने अपने जीवन में वो कीड़ा एक या दो बार देखा है शायद तुलसी महारानी पर, यहाँ तो नहीं देखा, हमारे यहाँ नहीं देखा, किसी अन्य स्थानों में देखा था। तो वो हमने देखते देखते, जैसे कि रात को हम तुलसी महारानी एकदम सही सलामत छोड़ के गए, सुबह आए तो उनकी बस डंडी डंडी खड़ी थी और जो पत्ते थे वो कटर 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 सब काट रखे थे, और नीचे भी एक भी पत्ता नहीं गिरा था, कि नीचे भी गिरा हो कि किसी ने काट दिए हो तो शायद नीचे गिर गए हो, किसी ने तोड़ लिए हो, बच्चे ने तोड़े को तो एक आध दो तो नीचे मिलेगी, पर मिला नहीं। तब सुबह ध्यान नहीं आया कि हुआ कैसे, सोचता रहा सुबह गौर नहीं किया, पर गलती कर दी कि सुबह देखा नहीं तुलसी महारानी को पास में, सोचता रहा कि हुआ कैसे, अब उसी विचार पर फिर सेवा करता रहा कुछ ना कुछ उसमें करता रहा। उसके बाद दोबारा देखने आया कि एक दो घंटे बाद कि अब देखता हूँ अब क्या हाल है, अब और देखा तो इतने में तब ध्यान नहीं दिया था पहले, तो उसी का फल अब भुगतना पड़ा। अब तो देखा तो और भी जो पत्ते थे वो भी साफ कर दिए, अब तो कुछ ही 2-4, 7-8 पत्ते रह गए। मैंने कहा ये तो बहुत भयानक स्थिति है। तभी देखा उसमें, देखो पत्तों के कलर जैसा ही, पत्तों के सेम रंग जैसा ही एक कीड़ा बैठा हुआ था, और वो टिड्डा भी ऐसे ही होता है, जब पत्तों में छुप के बैठ जाए तो दिखता नहीं है तो पत्तों को खा जाता है, तो टिड्डा था ना जाने क्या था वो। तो उसमें मैंने जब देखा उसको तो तब पता लगा वो पत्ते के कलर का ही था, उसको उठा कर गए फेंका दूर कि यहाँ तुम्हारा स्थान नहीं है, फिर वो चला गया, वो लग गया होगा कहाँ से, पूरी तुलसी महारानी खा गया। फिर हालांकि दोबारा वो सही हो गई, पर क्षति तो हुई तुलसी महारानी की, काफ़ी हानि तो हो ही गई। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ध्यान रखना चाहिए, दूसरों की गलती सीखो, सामने का जो गलती करी उससे सीखो, गलती का पता नहीं वो कहाँ से कीड़ा आ गया, अब लग गया, सुबह देखा तो ठीक से ध्यान नहीं दिया, नहीं सोचा कि शायद हो गया होगा कैसे भी, वो दोबारा में जब देखा तब जाके पता चला अरे वो तो कीड़ा था। और अच्छा ये था कि सुबह आए तो कम पत्ते थे, ये भी तो बात है, तो ये भी बात है, तो मैंने जो गलती करी उससे ना करें। अच्छा दूसरी बात है कि तुलसी महारानी के समय पर एक कीड़ा और होता है, एक टाइप का सफ़ेद कलर के कीड़े होते हैं, छोटे 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 होते हैं बहुत ज़्यादा, और वो नीचे जब तुलसी महारानी के पत्ते देखो, ऊपर तो बिल्कुल पत्ता साफ दिखेगा, पर नीचे जब देखोगे तो नीचे पत्ते पूरे पीले काले ऐसे होंगे, नीचे अलग अलग डिज़ाइन बना रखी होंगी उन्हीं कीड़ों ने, और कई बार तो जब उन्हें ऐसे करके जब तुलसी महारानी को छुओगे ऐसे करके तो उड़ेंगे, और फिर उड़ेंगे फिर थोड़ा सा उड़ेंगे फिर दोबारा बैठ जाएंगे। तो ऐसे कि अभी इनका सबका वो भी बताऊँगा उपाय, अलग अलग उपाय, तो ये भी है। तो ऐसे ऐसे कीड़े आकर के बैठ जाते हैं तुलसी महारानी में, तो
तो इसीलिए कई बार जो मक्खियाँ होती हैं ना, मक्खियाँ साधारण मक्खियाँ जो हम सब ये जो देखते हैं, जो अपने हाथ मसलती रहती है ऐसे बैठे बैठे ये मक्खियाँ, तो इन मक्खियों से भी हमें बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये मक्खियाँ क्या करती हैं, ये मल कर देती हैं आकर के अपना जितना जो खाया हुआ इधर उधर से आती है, तो मल इस पर तुलसी मारनी पर इन पर कर देती हैं, जिसके कारण कि वो जो पत्ते हैं वो बेकार होने लग जाते हैं और दिखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए तुलसी मारनी के ऊपर ये भी ध्यान रखना चाहिए मक्खियों से भी। मच्छर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, क्योंकि मच्छर जल्दी बैठते नहीं। हाँ, ज़्यादा मात्रा में तुलसी मारनी होगी तो वहाँ जाके मच्छर बैठ जाएंगे, ऐसी बात होती है। रात्रि में मच्छर बैठते हैं, पर मच्छरों से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मच्छर तो इंसानों का खून चूसते हैं तो ऐसा करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि तुलसी देवी के यदि हम सेवा कर रहे हैं तो उसमें एक ख्याल और रखें कि जो इनकी मंजरियाँ जो बढ़ती हैं, तो या तो ये समय से उतार लें, या तो इन मंजरियों का एक कार्य कर सकते हैं कि मंजरियाँ को पकने दें, और पकने के बाद वो, खैर मैं ये वाला पॉइंट शायद बाद में बता दूँगा, चलो अभी छोटा बोलता हूँ, इसको बाद में विस्तार से बताऊँगा कि तुलसी महारानी के लिए यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो मंजरियों को पकने दें, पकने के बाद उतार लें, इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो कुछ कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं तुलसी महारानी की सेवा में, तो वो ना करें। तो इसलिए मैं अभी एक पॉइंट पर आता हूँ कि सबसे पहले तो जो गर्मियों में पानी देखो बराबर दो, अच्छी मात्रा में, और शुद्ध किसी पात्र से दो, है ना, कोई तांबे का लोटा हो ऐसा कुछ हो, जिससे कि अन्य कोई पानी ना पीता हो, ऐसा कोई लोटा ऐसा कोई पात्र हो, उस पात्र से तुलसी मारनी में जल दो। ऐसा नहीं कि नहाने वाले मग्गे से लिया और उठाया, नहाते हैं ना प्लास्टिक के, तो उससे उठाया और उसे डाल दिया, ऐसे ही पटक दिया पानी, ना ना वो सही नहीं है। वो यदि करोगे तो फिर पौधे जैसी, फिर वो, फिर तुम कितनी प्रार्थना करते रहो, वृंदा यही तुलसी देवी प्रिया यही कैसे वश्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत यही, कुछ भी नहीं होगा प्रार्थना करते, क्योंकि उनको अशुद्धता से व्यवहार करोगे, मतलब उनके साथ वृक्ष जैसा व्यवहार करोगे, पौधे जैसा व्यवहार करोगे, तो पौधा है, पौधे जैसी कृपा करेंगे। तुलसी मारनी के आसपास भी हमको ऐसा चप्पल पहन के नहीं घूमना चाहिए, ऐसा तुलसी मारनी से दूर कहीं पर चप्पलों को उतार दें। जैसे तुलसी मारनी के पास आए, जूते चप्पल पहन करके तुलसी मारनी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिना हाथ धोए तुलसी मारनी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, बिना नहाए तो करना चाहिए, हाथ धोए भी यदि ऐसे आए उठ करके। और कई लोगों की बड़ी गंदी आदत होती है, तो उनको क्या है कि वो ऐसे आते हैं तुलसी मारनी से, पट 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 लेते हैं पत्ते और मुँह में डाल के चबा जाते हैं, मूर्ख हैं एक नंबर के। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि उनको पता नहीं है अभी तत्व तुलसी मारने का, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है कि बेटा तुम ये खा रहे हो ना ऐसे पत्ते, तो तुम तुलसी दल खाते रहो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे ये तुलसी दल खाने का परिणाम क्या होगा, पायरिया हो जाएगा दांतों में, तो चबा चबा के खा रहे हो, इसलिए तुलसी मारने को कभी चबाना नहीं चाहिए। तो चबाने से क्या होता है कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनके दांतों में पायरिया लग जाता है। तो तुलसी महारानी की सेवा, अभी तो सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में थोड़ा पानी को कम मात्रा में ही, कम मात्रा मतलब कि जब तक तुलसी महारानी के ऐसा ना देखे सर्दियों में, क्योंकि बिल्कुल जैसे ऐसा लगे कि ऊपर की मिट्टी अब सूख चुकी है, तब जा करके उनमें थोड़ा पानी दो, जिससे कि ऊपर की मिट्टी गीली हो जाए। ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता है ही, ज़्यादा पानी देने से एक तो कीड़े लग जाएंगे, सॉरी कीड़े लग जाएंगे, पत्ते झड़ जाएंगे, ज़्यादा पानी देने से पत्ते पीले पड़ जाएंगे, जो जड़ है वो गल जाएगी। तो जब फिर तुलसी मारनी को जब निकालोगे ना कभी, तो उसमें से नीचे ऐसा लगेगा जैसे कीचड़ में से तुलसी मारनी निकाल लो, क्योंकि नीचे की मिट्टी सब काली पड़ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में पानी सूखता नहीं है ना, अभी तो सूर्य की जो ताप है वो बहुत कम मात्रा में, मतलब हमारे तक वो तो उतनी ही मात्रा में दे रहे हैं, परंतु हमारा जो ऐसा प्रभाव हो चुका है मौसम का, तो मौसम बदल चुका है, तो इसलिए उस कारण से क्या होगा कि इतना ताप नहीं है सूर्य में, तो इतनी जल्दी मिट्टी सूख नहीं पाती, तो इसलिए मिट्टी सूखने का इंतज़ार करें तुलसी मारने के लिए। अच्छा, समय समय पर गाय का गोबर हो तो उसके जो वो गोबर को ऐसे करके अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा तुलसी मारने की जड़ में डालते रहो, यदि मिल जाए तो गाय का गोबर। और अन्य जो कोई व्यक्ति हैं घर में, तो उनके ऐसे टच होने से दूर बचा के रखो, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे को क्या होता है नाक में मुँह में कान में ऐसी उंगली दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, और कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं, बच्चे तो झूठे मुँह ही रहते हैं, बच्चे आकर के तुलसी महारानी को छूए तो सही नहीं है। बच्चों को सिखाओ कि बेटा ये तुलसी महारानी है, इनसे बेटा हमें दूर रहना है, और दूर रहने का अर्थ मतलब वैसे नहीं दूर का अर्थ कि हमें ऐसे बिना मतलब में उनको नहीं छूना है, और इनको देखते ही हमें प्रणाम करना चाहिए, तो बच्चे को करना चाहिए। हमारे एक छोटा बच्चा वो है, उसको मैंने सिखा रखा, तो आते ही सीधा प्रणाम करता है, उसको धमका के रखो, बच्चों को ऐसे थोड़ा करना पड़ता है ना कि तुलसी महारानी है ये, है ना, तो प्रणाम करना चाहिए, बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें जो दूसरों के साथ भी व्यवहार में लाना चाहिए, जिससे कि वो सीखें कि कैसे सेवा करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तुलसी महारानी के विषय में एक प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि
एग्जैक्ट तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद उन्होंने यही प्रश्न किया था कि घर के पीछे की तरफ यानी आगे कहीं भी हो, चलो छोड़ो, कि कहीं गंदगी में तुलसी मारनी उग गई हैं तो उनका क्या करें, क्या उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था हाँ कर सकते हैं, परंतु उन्होंने कहा कि प्रभु जी एक वीडियो में बताना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसके ऊपर तुलसी मारनी की सेवा के लिए एक हम वीडियो डाल देंगे तो कर सकते हैं। उसका आंसर ये है कि तुलसी मारनी की सेवा ऐसी स्थिति में की जा सकती है। मैंने अभी दो साल हो गई तुलसी महारानी हमारे एक तरफ इतनी गंदगी पड़ती है उस स्थान में, एक स्थान है पास में सामने, तो वहाँ इतनी गंदगी पड़ती है उस एरिए में, वहाँ जाकर के तुलसी महारानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, मैं कितना बताऊँ, बच्चों के जो डायपर होते हैं ना वो भी लोग वहीं फेंक देते हैं। तो ऐसे अघोर में घुस करके मैं लेकर के आया था तुलसी महारानी को, तो बिल्कुल छोटी छोटी लाया था, कोई इतनी बड़ी थी उसमें मुझे दिखाई दे गई अचानक से। एक्चुअली मैं लेने गया था आम का पेड़, कि उसमें आम का पेड़ दिख रहा था, तो आम को तो नहीं निकला, वो कोई दूसरा ही पेड़ निकल आया बाद में पता लगा, उस समय इतनी पहचान नहीं, मैं सोचा आम का शायद, तो लेने गया, इतने में आम का लेने गया तो उसके साथ में तुलसी महारानी भी वहाँ नज़र आ गई, वहीं पैर पड़ा, वहीं देखा आम के पेड़ के पास, अरे मैंने कहा ये तो खूब तुलसी महारानी इसमें हो रही है छोटी छोटी। तो तुलसी देवी को देख करके तुलसी जी को वहाँ से लिया, निकाला सबको, और भी आसपास पड़ोस में सबको जिनको चाहिए थी माताओं को उनको दे दी, बांट दी कि जो सेवा करना चाहती हैं उनको दे दी, जिन्होंने सबने मना कर दिया, बोले हम तो नहीं दे, काफ़ी मात्रा में, तो मैंने सारी लेकर के फिर शायद 7-8-6 थी कुछ हैं इसमें लगी है ना इधर, तो ये तुलसी महारानी, तो ये वही तुलसी महारानी है जो हमने इतने गंदे में से उठाई और आज सेवा हो रही है, देखो खूब बढ़िया, पूरे शायद मोहल्ले में ही होंगी हमारे आसपास, तो मुझे तो कोई दिखता नहीं है कि मैं कहीं देख तुलसी महारानी, ऐसी तुलसी महारानी कहीं नहीं है हमारे जैसे, क्यों नहीं है, क्योंकि सेवा का परिणाम, पर्याप्त मात्रा में सेवा मिला है। दूसरी बात, हमने इनके ऊपर क्या डाल रखा है, छाया के लिए भी है, तो गर्मियों में छाया से बच, धूप से बचती हैं, और सर्दियों में किससे बचती हैं, सर्दियों में ओस पड़ती है ना जो मौसम, रात में सर्दी की ओस, तो ओस से बच जाती हैं, तो ओस से बचाना है सर्दियों में, और गर्मियों में तेज़ धूप से बचाना है, ऐसा नहीं धूप नहीं देनी है, धूप नहीं दोगे तो फिर उनकी मिट्टी सही नहीं रहेगी, इसलिए धूप भी देनी है, परंतु हिसाब की, तो हमारे लिए इतना हिसाब से हमने ऊपर से जो इनके ऊपर डाल रखा है, तो इससे क्या है कि सामने का सूर्य प्रकाश जब आते हैं सूर्य, तो यहाँ से मिल जाता है इनको, और जब यहाँ जब संध्या तक रहते हैं तो संध्या की धूप मिल जाती है, जो बीच में जो सूर्य रहते हैं वो धूप नहीं मिल पाती, और वही मेन कड़क धूप है, तो 4 बजे से 6 बजे वाली धूप इनको मिल जाती है, और सुबह जो 7-8-6 बजे से जो धूप निकलती है वो 9 बजे तक इनको मिल जाती है, यहाँ तक 9-9:30 तक लास्ट बस, फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद 10 बजे से लेकर के शाम 6-7 घंटे जो कड़क धूप रहती है भयंकर वाली, वो धूप इनको नहीं मिलती, केवल कौन सी धूप मिलती है जो कि ग्रहणीय, जो अच्छा है, ठीक है इनके लिए, तो इसीलिए इनकी सेवा इस तरीके से हो रही है कि धूप भी पर्याप्त मात्रा में और जल भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो रहा है। आप देखो सर्दी आ गई तो मैं जल नहीं दे रहा हूँ, 3-4 दिन हो गए, केवल नाम मात्र का एक आध बूंद टपका दिया, केवल बस हाथ जोड़ने के लिए है ना, पूजा के अनुसार 1-2 बूंद दे दिया, नहीं तो वो भी बंद है अभी, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो पहले वाला सूख ही नहीं पाएगा, हम ऊपर जल आते जाएंगे, डालते डालते क्या होगा, इनके सब पत्ते सूख जाएंगे, तो इसीलिए, तो इसलिए तुलसी महारानी का ऐसे बहुत डिटेल में वो रखना चाहिए, और समय समय पर इन पर जल का छिड़काव। अब छिड़काव करने से कई लोग क्या करते हैं, जब मैं छोटा था तो मैं ऐसे छिड़काव करता था, तो फिर बाद में समझ आया कि ऐसे गलत है, तो इसलिए एक पाइप ले लो, पाइप को लगाया, और पाइप से जो, यदि हालांकि वैसे भी कर सकते हैं जो ग्लास से, छोटे ग्लास से, पर वो करने से क्या होगा कि ना कई बार कि यदि छोटी तुलसी मारनी है तो उनके ऊपर छिड़कोगे तो वो सब टूटने का भी डर रहेगा और इधर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी कुछ ना कुछ, तो इसलिए छोटी तुलसी मारनी है तो उन पर तो प्रयोग कर मत करना, उन पर तो हल्के हल्के जो हाथों से ऊपर जो पानी देते हैं ना, तो ऐसे ऐसे हाथों से पानी दे देना, ऐसे हाथों से पानी दे देना तुलसी महारानी के ऊपर, छोटी यदि हैं, और बड़ी हैं तो फिर उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे छिड़क सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि ऊपर जो मिट्टी या मक्खी बैठ जाती हैं कई बार, तो वो अपना गंध छोड़ देती हैं वहाँ पर, तो उस स्थान में जब पानी पड़ेगा, पानी पड़ने से क्या होगा, तुलसी महारानी स्वच्छ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगी, अच्छी भी लगेंगी, तो इन पर समय समय पर हमें 4-5-6-7 दिन में लगभग ऐसा करते रहना चाहिए, ऊपर जो है वो जल का छिड़काव, वो भी कैसे, और वो भी बारीक, यदि पाइप से कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा, कई बार पाइप से, मैं इतने बारीक में इधर बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी गलती कर सकता है, तो इसलिए वो गलती ना करें, इसलिए यदि पाइप से भी कर रहे हो तो पहले तो पाइप को हम मट्टी से माँजें, पाइप को, जिसमें पाइप से मट्टी से माँज के अंदर भी ऐसे उंगली डाल के पाइप में, और बाहर भी करके मट्टी से माँज लो पहले थोड़ा, और फिर उसको बिल्कुल जो शावर होता है ना, शावर टाइप, या फिर उससे भी कर सकते हो, पाइप से भी कर सकते हो, और एक और वो आता है जो, अरे स्प्रे टाइप जो नाइयों के पास रहता है ना दुकानों में,
नाई वाला स्प्रे भी कर सकते हो, और एक और आता है इनका वो बड़ा सा 5 लीटर वाला, उससे भी कर सकते हो। तो दो तीन तरीके हैं, मैं तो पाइप से ही कर देता हूँ कि हमारे पास वो नहीं है, होगा तो आगे वो भी मंगवा लेंगे कभी। हाँ तो पर पाइप से करने का भी तरीका है, आप कोई वो ना करें कि अब किसी मान लो अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि बोले भैया इतने रुपया नहीं होते हैं, हम स्प्रे स्प्रे लेके आए, पता नहीं उसका क्या प्राइस होता है, 100-150 रुपये का आता होगा, पर फिर भी चलो किसी मान लो ये भी नहीं है तो वो क्या करे, वो ऐसे ही पानी ले थोड़ा उसमें जल में, तो ऐसे सेवा करे। तुलसी मारने की सेवा किसी परिस्थिति में कैसे भी किया, क्योंकि मतलब ठीक है आजकल स्प्रे स्प्रे हैं तो वो भी कर सकते हो अपनी श्रद्धानुसार देख लो। पाइप से कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका मुँह दबा के ऐसा तेज प्रेशर ना आए, उनमें बिल्कुल बंद कर दो छेद को, और हल्का सा जो पाइप का मुख आगे का खोला रहे उसमें से जो जल आए वो बिखर करके जो चला आएगा वो शावर की तरह हो जाएगा, तो वो जब कर दोगे तो गल जाएगी। कैसे फिर वो भी धुलाई में करना बताऊँ तो कैसे करोगे कि पहले तो इनमें तुलसी महारानी में ऊपर से जल छिड़क दो, है ना, वैसा ऐसे करके पहला छिड़क दिया, फिर दूसरे कोई पौधे हैं तो उन पर छिड़कते रहो थोड़ा बहुत, फिर थोड़ी देर ना इनको गलने दो उस मिट्टी को, वो गल जाएगी ना मिट्टी, जम जाती है, जमने के बाद ऊपर से पानी पड़ेगा तो गल जाएगी, गल के थोड़ी सी नीचे उतरने को होगी, फिर आप दोबारा पानी मारोगे जब ऐसे करके पतला शावर की तरह, तब जा करके जो दूसरी मिट्टी है वो उतर जाएगी। तो ऐसा काम ये कर सकते हैं इनके पत्तों को सबको धोने के लिए, और इसमें नीचे भी चेक करते रहो कि हमारे यहाँ तो खैर बहुत अच्छी स्थिति है तुलसी मारनी की, कीड़े वीड़े कोई नहीं आते, पर कई जगह तो मैंने देखा है कि तुलसी मारनी पर कीड़े लदे ही रहते हैं। अब उन कीड़ों का क्या उपाय करें, उन कीड़ों के लिए सबसे अच्छी दवा है तो वैसे तो नीम के पत्ते भी कर सकते हो, नीम के पत्ते जो बाल्टी में, एक बाल्टी में नीम के पत्ते ले लो, नीम की डूंगी से थोड़ी बहुत तोड़ लाओ, है ना, आती ना वो झाड़ा वाड़ा लगाने के लिए घरों में, जब किसी के वो चिकन पॉक्स हो जाता है ना, माथा निकल आती है बोलते हैं, तो घर के बाहर जो लगा देते हैं जैसे डंडियाँ, तो ऐसी ऐसी डंडियाँ बना करके बाल्टी में डुबो के रख दो, और उसका एक बाल्टी पानी वो रहने दो करके, और फिर जो उसका पानी एक दो दिन तक पड़ा रहने दो, फिर उस पानी का स्प्रे करो तुलसी मारनी पे, तो सारे कीड़े जो हैं वो मर जाएंगे। अच्छा दूसरी बात क्या कि ज़्यादा मात्रा में भी मत कर देना नहीं तो फिर नीम की कड़वाहट जो है वो जड़ में जाएगी ना, तो वो भी ठीक नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा मात्रा में इतनी मात्रा में करें कि नीचे जड़ पे या तो कुछ पन्नी मत लगाओ, थोड़ा बहुत तो जड़ में जाने दो, जिससे कि जड़ में अंदर भी यदि कोई कीड़ा होगा तो वो भी सब मर जाएंगे। पहली बार जल्दी से लगते नहीं है जड़ में कीड़े, ऊपर ही लगते हैं, पर ऊपर यदि होगा भी तो वो भी मर जाएगा। और यदि ऐसा हो जाए कि हमको जड़ हमारी बहुत गीली है और सर्दियों में मान लो कीड़े लगे, तो इसलिए जड़ के पास में ऐसे कुछ पॉलीथीन या फिर पॉलीथीन नहीं तो कोई कपड़ा सा ऐसा लगा करके जो जड़ में अंदर पानी ना जाए ऊपर की तरफ ही रहे, तो पॉलीथीन लगा लो सबसे बेस्ट ही है वो, तो है ना, तो उसको लगा करके जड़ ऐसे करके रहे और उसके बीच में तुलसी मारनी रहे, इतना एरिया दो उनको और चारों तरफ कर दो क्योंकि उनके उसमें ना जाए, जब गमला है गमले के अंदर ना जाए पानी, तो वो फिर ऊपर से स्प्रे करो है ना, तो उसको करोगे जिससे कि क्या होगा जितने कीड़े वीड़े होंगे ऊपर के, तो नीम की कड़वाहट से ना वो नीम औषधि है बहुत बड़ी, नीम तो बोलते ना नीम कड़वा होता है परंतु महा औषधि कारक है, तो ऐसे ही कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कड़वी होती हैं परंतु वो यदि जीवन में व्यक्ति लगा ले तो क्या हो सकती है, वो महाऔषधि की तरह कार्य कर सकती है उसके जीवन में। तो ये हमें तुलसी मारने का एक तो नीम का मैंने बता दिया, नीम का वो कर दो स्प्रे। दूसरा क्या कर दो, हल्दी लो, एक चम्मच हल्दी डालो, कितने 2-3 लीटर पानी ले लो, उसमें एक चम्मच हल्दी भर के पूरी चम्मच, छोटी चम्मच, बड़ा वाला चमचा नहीं, छोटी चम्मच, तो हम खाने वाली टेबल स्पून होता है उससे हमने एक चम्मच ले लिया, और एक 2-4-5-6 लीटर पानी में हमने ऐसे 5 लीटर पानी मान लो एक चम्मच पूरा ऐसे घोल दिया, अब वो पूरा पानी बन गया आपका। अब उसको जो स्प्रे में भरो और स्प्रे करो। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे आप भैया कि हमारे पास तो स्प्रे नहीं है, स्प्रे से नहीं कर सकते, तो स्प्रे से ना करें तो फिर क्या करें, कटोरे में जल ले लो और हाथ अच्छे से धो करके, तो उस हाथ से ऐसे करके जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ यहाँ इस मात्रा में कीड़े ज़्यादा रहते हैं, स्प्रे से ये फ़ायदा रहता है कि नीचे से भी आप जो पत्तों के नीचे वाले एरिया में भी मार सकते हो तुलसी मारने के, स्प्रे से ये भी रहता है, तो ये कर सकते हो, नहीं तो फिर हाथ से कर सकते हो, फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगने दो टाइम, तुलसी मारने की सेवा है उसमें क्या, कोई जाना थोड़ी है, भागना थोड़ी है, तो इसलिए ऐसा कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें मैंने बता दिया। सर्दियों में थोड़ा कम पानी दें, देख लें स्थिति के अनुसार, जब सूख जाए नीचे तला, तुलसी मारनी सूख जाए उसका इंतजार नहीं तुलसी मारनी सूख नहीं चाहिए, हाँ नीचे जो उनका जो तला है वो देख लो कि भाई ये अब मिट्टी थोड़ी सूख रही है, थोड़ा सा जल दे सकते हैं, इसके अनुसार आप जल दो। यदि आपको डेली, जैसे कुछ लोग तो पूजा ही करते हैं, तो इसलिए पूजा के लिए क्या है कि आप एक बूंद जल ले लो बस, जो आचमन कप होता है ना, आचमनी में जितना आचमनी में आता है उससे भी थोड़ा सा कम, बस एक बूंद जल टपकाओ केवल तुलसी मारने में, एक बूंद जल टपकाओ। यदि आपको लग रहा है कि स्थिति बहुत गंभीर है, इस समय ज़्यादा पानी नहीं दे सकते,
तो एक बूंद जल टपकाओ बस और हाथ जोड़ लो तुलसी। ये उपाय है तुलसी मारने का, नॉर्मल योग करने का। अब मैंने अपनी समझ से जितना मेरे समझ में आया, जितना मुझे याद आ रही है जो चीज़ें, वो मैंने आपको बता दी। यदि इसमें भी किसी का कोई प्रश्न है, कुछ है, तो वो कमेंट सेक्शन में डाल दें। यदि इंटरनेट पे और कोई ऐसी कुछ समस्या है पूजा से रिलेटेड कुछ भी, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और तुलसी मारने की सेवा किसी भी परिस्थिति में की जा सकती है, चाहे कहीं आपको दिख रही है कि यहाँ तो गंदगी है, यहाँ से तुलसी मारनी कैसे लेंगे, तो इसके लिए आप क्या करो कि सबसे बढ़िया है उनको लो और उनकी जड़ को धो लो, निकाल लो उसमें से। कई बार तो मिट्टी के सही ही रहते, तो कई बार आपको दिखाई गया तो कीचड़ वाली मिट्टी है, तो क्या करो कि तुलसी मारनी उसमें से कीचड़ वाली उठाओ, हाथ में पन्नी वन्नी बांध के कैसे भी करके उठा लो थोड़ा सा, और उसकी जो मिट्टी है, जो कीचड़ वाली जो मिट्टी है, वो हटा दो साइड से। और तुलसी मारनी को एक स्वच्छ जल से रगड़ना मत, ऐसे हाथों से मत रगड़ना, स्वच्छ जल में ऐसे करके उनकी जो जड़ है वो धो, वो जड़ धो करके फिर जो पौधा ले लो उसमें अच्छे से मिट्टी ले लो, और फिर उसके अंदर थोड़ा गोबर, गऊ का गोबर डाल के पहले। तो मैं कैसे लगाता हूँ, मैं अपना आइडिया बता रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ कि नीचे तो पहले मिट्टी डालता हूँ, लगभग 3 अंगुल मिट्टी डालूँगा गमले के अंदर, फिर उसके ऊपर 1 परत गोबर की, फिर उसके ऊपर 3 अंगुल वो, फिर 1 परत गोबर की, 1 अंगुल परत गोबर की, फिर उसके ऊपर ऐसे करके डालता हूँ। अभी तो हमारे पास हमने जो 1-2 ही परत डाली है शायद, 1 परत या 2 परत में ही डाली है, ऐसे ही 1 परत में डाली है शायद, परंतु हाँ जिसके पास ज़्यादा गोबर है तो ऐसा कर सकते हैं। मेरा आइडिया पर मैं ये बता रहा हूँ आपको, ये है। उसके बाद ऐसे करते करते पूरा गमला भर दो, और फिर जितनी स्थान में आपको तुलसी मानी लगानी उतना एरिया जो वहाँ से मिट्टी निकाल के उसमें लगा दो तुलसी मानी चारों तरफ से मिट्टी से, उनकी जड़ जड़ दब जाए, ऊपर तक ना कि पत्ते भी दब जाएँ, ऐसा नहीं, जड़ जड़ दब जाए, इतना बस तुलसी मानी को रखो। और जो मिट्टी है उसके करके दबानी नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम लोग ना, वो करने के लिए कि गमला इससे एकदम बढ़िया रहेगा, वो रहेगा या बढ़िया दिखेगा, एकदम सीधी मिट्टी होगी, तो हम ऐसे क्या करते हैं उसको घूसे से ऐसे ठूस देते हैं ना मिट्टी जो, ऐसे वो नहीं करना, वो बहुत ज़्यादा गलत है। उससे क्या होगा कि जो तुलसी मारने की जो जड़ है ना, तो आपने ऐसा घूसा उसमें लगा दिया तो वो जड़ उसमें दब गई घूसे से, ऐसे करके दबा दिया ना, आटा गूंथते तो माता ऐसे ऐसे करते हैं, वो नहीं करना, वो दबाना नहीं है, ऐसे करके थोड़ा सा उसको कुरेद देना और ज़्यादा साइड में और पास में, जिससे कि जो, क्योंकि 1-2 दिन तो उनके, 3-4 दिन तो उनकी जड़ को सेटअप करने में लगेगा। अभी मैंने 1000-2000 तुलसी मारनी होंगी लगभग, ज़्यादा ही होंगी, हमने कितनी सारी लगाई हैं इसमें, बहुत सारी लगाई हैं तुलसी मारनी है उसमें पात्र में, तो 500-600 से तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब गिनती तो नहीं कर सकते, इतनी हैं, बहुत सारी तुलसी मारनी हमने लगाई। अब इसमें देखोगे यदि आप, यदि आप देखो, मैं इसमें वीडियो हम लगा देंगे, इसमें देखोगे यदि, तो हमने क्या किया कि 2-4 दिन तो इनको सेटअप होने में लगा अपना, सेटअप कैसे कि इनकी भाई जड़ भी तो अंदर फैलेगी, तो हमने क्या किया, पहले मिट्टी जब डाली तो इनको ऐसे आराम से बिठा दिया, फिर ऊपर से सूखी मिट्टी उसको गोबर में मिला करके, सूखे गोबर में मिला करके पूरा एकदम ऐसा कर लिया, चूरन की तरह बना लिया, फिर ऊपर से मिट्टी ऐसे भुरकी, थोड़ी थोड़ी भुरकी, जिससे कि मान लो इतनी सी परत, आधी इंची से भी कम परत में वो मिट्टी डल गई। फिर उसके बाद हमने उसके ऊपर थोड़ा सा बूंद ऐसे चुल्लू भर पानी जो क्या बोलते हैं तुलसी दल मात्र जलस से चुलुक इनवा, तो जलस से चुलुक, जल से चुल्लू भर जल दे करके ऊपर हल्का हल्का ऐसे जैसे मिट्टी भुरकी थी उन्हीं के स्थान पे हमने थोड़ा थोड़ा पानी भुरक दिया, जिससे कि वहाँ की मिट्टी जो थी वो जम गई। फिर हमने 2-3 दिन तक हाथ नहीं लगाया तुलसी मारने को, हाथ लगाने का मतलब कि कोई छोटी थी, इतनी इतनी थी बिल्कुल, बहुत छोटी लगाई नहीं थी, बीज डाले थे तो बीज से एक दूसरे में हो गई, फिर तीसरे में हो गई, फिर उससे निकाल के हमने इसमें डाल दी, तो अब उससे क्या हुआ कि इतनी जम गई, फिर उससे थोड़ा उनको सेट होने में टाइम लगा, अब लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया, शायद 2 हफ्ते हो गए, अब 2 हफ्ते में 4-5 इंची इतनी बढ़ गई शायद, है ना, तो बढ़ गया, अब उनको टाइम चाहिए, तो अब वो नीचे फैल नहीं है, उसमें गोबर भी है नीचे, तो ऐसे करके सारी चीज़ रहेगी। तो ये हमने, मैंने अपना तरीका बता दिया, अब कोई अपने तरीके से कर सकता है कैसे भी, कोई क्या कर, कई लोग क्या करते हैं कि मिट्टी के अंदर पूरा ही गोबर को मिला देते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी कर सकते हो, मैं दोनों ही तरीके करता हूँ, कई बार मिट्टी परत के परत ऊपर डालता हूँ, नहीं तो कई बार फिर सारा गोबर मिला के मिट्टी में और सारा एक साथ में लगा दे, वो सबसे अच्छा है, वो भी अच्छा है, कर सकते हैं दोनों तरीके से, और बढ़िया होती है तुलसी मारनी, ये तो खूब बढ़िया ही दिख रही है, बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा, यदि किसी का कोई वो है प्रश्न है तो फिर हम उसको ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं आप, कैसे क्या है तुलसी मारने के विषय में, ठीक है, तुलसी देवी की जय।